हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.parivahan.gov.in पर। ठीक है, तो हम इसको चलते हैं गूगल की तरफ। तो अब यहाँ हम वेबसाइट डालते हैं www.parivahan.gov.in। ठीक है, अब हम इसे ओपन कर देते हैं। ये हमारी यहाँ वेबसाइट खुल रही है, ये हमारी वेबसाइट खुल के आ गई। अब इसको हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस है, मतलब RC जैसे जो होते हैं आपके गाड़ियों के कागज़, उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस वाले पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हमें, अब ये हमारी दूसरी फाइल वो साइड वो दूसरा पेज ओपनिंग होके आ गया है। अब हम इसके लिए अपनी यहाँ स्टेट्स, कुछ आप जो भी स्टेट के हैं आप उस स्टेट सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद एक और न्यू पेज खुल के आ गया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है न्यू लर्निंग लाइसेंस। अब इस पर क्लिक करेंगे। इसे करने के बाद यहाँ कुछ दे रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इसमें तो इसको हम कंटिन्यूस कर लेते हैं। कंटिन्यूस करने के बाद ये हमारा एक और पेज ओपन किया गया है। इसमें कुछ डिटेल्स पूछता है, जैसे एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस, मतलब आपका कोई ये हमारा कोई ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं है। अब ये है एप्लीकेशन होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस इंटर DL नंबर, अगर आपका ड्राइविंग होल्ड है तो आप यहाँ DL, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे। ऐसे ये नीचे वाला है। ठीक है, तो हमारा इसमें से कुछ नहीं, हम इसमें सिर्फ सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक और पेज खुल के आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपनी एड्रेस डिटेल्स भरनी होगी, पर्सनल्स कुछ। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश कर लिया, हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ हम अपना RTO सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारा RTO ये है गौतम बुद्ध नगर पड़ता है। गौतम, यहाँ पिन कोड डालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेता है। अब आइए, इसके बाद यहाँ हम डालते हैं कुछ डिटेल्स। ठीक है, हम अपने यहाँ पर्सनल डेट भर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर डिटेल फिल कर रखी है, और ये देखते हैं हमने क्या क्या, ये हमारे यहाँ स्टेट हमें सिलेक्ट करनी होती है, हमारा RTO यहाँ सिलेक्ट करना होता है, हमारा RTO पास पड़ता है, ये स्टेट है हमारी, यहाँ पिन कोड अपने आ जाता है। यहाँ हमें नाम, पहला नाम डालना, फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम, जो बाद का नाम का होता है, जैसे कुमार है तो ये है, ये फादर का नाम, जो रिलेशन है उनका, जैसे फादर का है तो फादर का, और जो किस किसी का हो उसके हिसाब से वहाँ। ठीक है, यहाँ मेल जेंडर सेलेक्ट, यहाँ मेल सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी, यहाँ क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और ये मोबाइल नंबर डाल रखा है, हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, एज हमारी 24 हो रही है, कंट्री ऑफ बर्थ हमारे इंडिया में है, ब्लड ग्रुप पता है तो भर सकते हैं, और ये ईमेल आईडी डाल रखी है। ठीक है दोस्तों, अब ये इतना ये पर्सनल डिटेल भरने के बाद, उसके बाद आते हैं एड्रेस। एड्रेस में क्या है, हमें ये हमारी स्टेट सेलेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम अपनी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से तहसील सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से विलेज टाउन जो भी है सेलेक्ट करेंगे, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसको खाली छोड़ देंगे। ये हाउस, हाउस डोर, फ्लैट नंबर, यहाँ से जो भी आपका घर का नंबर है और नाम है, जो हमारा यहाँ नहीं आ रहा था उसको हाउस नंबर डाल के हम यहाँ से गांव का नाम डाल देंगे जो भी आ रहा है। ठीक है, स्ट्रीट लोकल क्या है, जो पुलिस स्टेशन है आपका वो डाल दीजिए। लैंडमार्क क्या है, हमारे यहाँ सेक्टर 68 है, ठीक है, सेक्टर 68 डाल रखा है, सेक्टर 68 नोएडा। ठीक है, ये हमारा सेक्टर 68 नोएडा हो गया। ये हो गया हमारा पिन कोड हो गया, ये हम यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं वो डालना है आपको। अगर सेम एड्रेस है तो इस पे राइट वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, अलग है तो इसको अलग फिल करेंगे। ठीक है, ये होने के बाद अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमें कौन सी किस चीज़ का बनवाना है, बाइक का बनवाना है या 4 व्हीलर का बनवाना है, जिसका भी आपको लाइसेंस बना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बाइक का बना रहे हैं, बाइक में भी आता है आपका वो मोटरसाइकिल विदाउट गियर नॉन, यानी ये स्कूटी के लिए है जिसमें गियर गाड़ी नहीं है, ई रिक्शा है उसके लिए, और ये है मोटरसाइकिल विद गियर और नॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे ये बाइक का हो गया, हम इसको ले लेते हैं, ये हमारा आ गया। हम यहाँ फिलहाल में 2 व्हीलर का बनवा रहे हैं, अगर आपको ऑप्शन क्लिक करने हैं तो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सबमिट पर बटन क्लिक करिए।
हमारे यहाँ पे इंटर वैलिड फोन नंबर है, लग रहा है हमारे हमने इस फोन नंबर गलत डाल रखा है, तो इसके लिए हम एक बार चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ एक्सचेंज वाले में अपना फ़ोन नंबर डाल दिया था, इसलिए वो गलत दिखा रहा था। ठीक है, तो आइए हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये कुछ कंडीशंस पूरा है एप्लीकेंट की, तो उससे पहले एक्सेप्ट करें तो ये हम ओके कर देंगे। यहाँ पर हमारा डाटा, आर यू श्योर, यही डाटा है हमारा, पूछ रहा है कन्फर्म, ये हमारा हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट पेज आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नया पेज खुल के आ गया है। इसमें क्या है, एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है आपका, एप्लीकेशन डेट है कब डाली है, ब्लड ग्रुप हमने डाला नहीं था, मेल है, नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, और नाम आ रहा है फादर का जो है आपका। ठीक है, ये हमारा, अगर इसको प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट निकाल लीजिए, नहीं तो इसको नेक्स्ट पर क्लिक करिए। ठीक, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी दिखा रहा है, देखिए ये दिखा रहा है, एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, सर्विस नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, यहाँ हमारा एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ आरटीओ दिखा रहा है हमारा कौन सा है आरटीओ। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं नीचे, ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट के डिटेल में पड़ा हुआ है, ईशू लर्निंग लाइसेंस के लिए है, विद मॉडर्न केयर के लिए, हमने टू व्हीलर के लिए है जो घर वाली, हमारे यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन डिटेल कंप्लीट हो गया है, हम अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद फीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद स्लॉट पिक करेंगे। तो ठीक है, तो आइए हम इस पर अब प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। ठीक, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट होने के बाद अब हमारा यहाँ पूछेगा, ये डिटेल्स दे रहा है यहाँ पे, हम इस पर भी ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट पूछ रहा है हमें कौन सा अपलोड करना है कौन सा नहीं करना है। चलिए अब इसको हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो उसके लिए हम अपनी फाइल सेलेक्ट करते हैं, हम जहाँ तक हमने अपनी डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, तो इसलिए हमने ये फाइल सेलेक्ट की है, तो ओपन कर रहे हैं और इसको अपलोड करते हैं। ठीक, ये अपलोड हो गई है, अपलोड ये पूछ रहा है, कंफर्मेशन मांग रहा है, तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं। प्रूफ डाला था हमने, तो एड्रेस प्रूफ का हमारा ये हो गया। अब हमारा एज प्रूफ डाला है हमने, तो उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट, वही प्रोसेस है। अब हम यहाँ पे साइन फोटो, ये अपलोड फोटो एंड साइन अप करेंगे, तो इसके लिए फिर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, पहले फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो फोटो हमने अपने डेस्कटॉप पर सेव कर रखे हैं, हम इसको बीस के बी, इसको फोटो बोल रहा है कि इसका 20 KB से हमारा साइज बड़ा है, तो ठीक है, ये हमारा दिखा रहा है यहाँ पे एक बार डिटेल्स चेक कराने के लिए, जो आपको देख लेनी। ठीक है, अब हम इसको सेव कर दे रहे हैं, सेव वाले पे कराना। ठीक, ये सेव हो गया हमारा, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारी फिर डिटेल दिखा रहा है कौन सा आपका क्या है। ठीक, हमारी ये हो गई, अब हम जा रहे हैं पेमेंट स्लॉट पे। ठीक, पेमेंट हमें करनी है, तो पेमेंट के लिए, ठीक, पेमेंट के लिए पूछ रहा है ये, पेमेंट का गेटवे पूछ रहा है किसके थ्रू करनी है। ठीक है, तो स्टेट बैंक इंडिया दे रहा है यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने इसके ले लिए, और यहाँ पे क्यूआर कोड दे रहा है। ठीक है, हमने यहाँ ये क्यूआर कोड मांग रहा है, हमने ये क्यूआर कोड डाल दिया है, इसमें जो हमारी पेमेंट करेगी वो पेमेंट जितनी कटेगी वो दिखा रहा है, ये इश्यू न्यू लर्न के इसलिए है, टेस्ट के लिए 50 रुपये की फीस है, टोटल 200 रुपये कटेगी, ये इंडियन रुपीज में है। ठीक है, अब इसको हम पे नाउ करते हैं, पे नाउ करने के बाद ये दिखा रहा है जो कटेगा अमाउंट, और ये नाम दिखा रहा, डिटेल्स दिखा रहा है, यहाँ पढ़ना है तो पढ़ लो, टर्म कंडीशन पे अगला इस पर क्लिक करके प्रोसीड करो। ठीक है, ये हमारा प्रोसीड हो रहा है, ये हमारा प्रोसीड हो गया है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि किससे करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, अदर से करनी है, या स्टेट बैंक ऑफ डेबिट कार्ड से करनी है, अदर बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, जिससे भी करनी है आपको उससे हम। ठीक, ये मेरी पेमेंट सक्सेसफुली दिखा रही है, अगर प्रिंट चाहिए तो हम प्रिंट ले सकते हैं अपनी, इसका हम इसका स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेने के लिए हमें अपने लैपटॉप है, लैपटॉप को ले लें, और ये नेक्स्ट क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हो गई, अब आते हैं हमारी यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो गई, अब हमें यहाँ स्लॉट बुक करनी है, दिन हम टेस्ट देना है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ कोड गया हुआ है, अब ये हमारा OTP आ गया है, सिक्योरिटी कोड, अभी इसको डालते हैं,
ये हमने फिल कर दिया है, ठीक है। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं। इसके करने के बाद ये देखिए यहाँ दिखा रहा है, डिटेल्स दिखा रहा है हमारी कुछ। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू बुक, हम स्लॉट बुक कर रहे हैं जिस दिन हमें एग्जाम देना होगा। देखिए स्लॉट अवेलेबल मतलब सीट जो अवेलेबल होती है उसके लिए ग्रीन पे आता है, और नॉट स्लॉट के लिए रेड पे है, ठीक है। बोली छुट्टी होगी तो ये ब्लू कलर का दिखा रहा है, प्रीवियस फ्यूचर इसका मतलब ये पीछे का है, निकल गया है ये, ठीक है। तो हमारे पास 29 में है तो हम 29 में लेते हैं सीट, तो ये हमने 29 सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ 29 आ गया। अब ये टाइमिंग दिखा रहा है आपको 9:45 से 11 बजे तक के बीच में जाना है, ये दिखा रहा है 11:45 से आपको 2:15 बजे के बीच में जाना है, या 2:30 के बाद 5 बजे तक जाना है। तो हम इसमें ले रहे हैं 11:45 से 2:15 के, ठीक है। ये हो गया। अब हम बुक स्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बुक स्लॉट हो रहा है। अब हम इसको कंफर्म करेंगे, ठीक। ये हमारा बुक हो गया है, ठीक है। ये देखिए हमारा स्लॉट बुकिंग हो गया है, ठीक। अगर हमें इसको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल लीजिए, नहीं तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर दीजिए, ओके। ये इतना आपका अब क्या है, ये हो गया। अब जैसे मान लो हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर हमें इसके प्रिंट चाहिए निकालने हैं तो हम प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रिंट निकालेंगे, तो हमने स्लॉट वाला प्रिंट निकाल लें, ये प्रिंट दे रहे हैं हम।